बंदला ग्राम पंचायत क्षेत्र के डोल पालगिरी में डायरिया फैल गया है। एक ही परिवार के 5 लोग उल्टी दस्त की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गांव के अन्य लोगों को भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई है, जिस पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उधर डायरिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना कर दी है। बीएमओ मार्कंड की अगुवाई में मौके पर गई टीम सच्चाई का पता लगाई कि आखिरकार लोग उल्टी दस्त का शिकार क्यों हो रहे हैं। कहीं धाम या फिर दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों को दिक्कतें पैदा हुई है। जल्द ही टीम की रिपोर्ट में खुलासा होगा। इस दौरान शिहड़ा पंचायत के पूर्व प्रधान रूपलाल ठाकुर ने भी अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का कुशल क्षेम पूछा। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने बीएमओ की अगुवाई में एक टीम कारणों का पता लगाने के लिए भेजी है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की टीम ने प्रभावित गांव में कुछ बीमार हुए लोगों का उपचार किया है। बिलासपुर जिला अस्पताल में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश दड़ोच ने बताया कि बंदला क्षेत्र के डोल पालनगिरी से एक ही परिवार के 5 लोग उल्टी दस्त की शिकायत पर भर्ती किए गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, जबकि गांव के अन्य लोग भी उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएमओ मार्किंग की अगुवाई में चिकित्सकों की एक टीम भेजी गई है, ताकि डायरिया फैलने का कारणों का पता लगाकर समय रहते रोकथाम की जा सके। टैक्सी चालक अश्विनी कुमार हत्याकांड को लेकर पिछले कल पपरोला में किए गए चक्का जाम के दौरान स्थानीय विधायक मुल्कराज प्रेमी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विधायक ने प्रेस परिषद बैजनाथ में पत्रकार वार्ता में नौरी पंचायत के प्रधान विजय कुमार व अन्य लोगों के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि वे जल्द उनके विरुद्ध 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा, मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशील हूँ। इस मामले को लेकर मैंने एसपी व डीएसपी से बात की है। उन्होंने कहा कि पुलिस बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है तथा जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने उक्त प्रधान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं। सिंथेटिक ट्रैक अणु में आयोजित लड़कों और लड़कियों की अंडर 19 3 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट में बेस्ट एथलीट का खिताब हिम एकेडमी विकास नगर के कोस्तुब और ब्लू स्टार की दिया वर्मा को मिला। इसके अलावा ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब लड़कों में हिम एकेडमी विकास नगर हमीरपुर और लड़कियों में ब्लू स्टार स्कूल हमीरपुर को दिया गया। लड़के और लड़कियों की जिला स्तरीय एथलेटिक मीट संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा उप निदेशक जसवंत सिंह ने किया। इस मौके पर अतिथि ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन खेले गए मुकाबलों में लड़कों की 200 मीटर दौड़ में हिम एकेडमी विकास नगर का कौस्तुभ प्रथम, एमपीपीएस मलोटी स्कूल का आयुष द्वितीय और डीएवी हमीरपुर का आर्यन तृतीय रहा। स्थानीय स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में ईडीपीओ राजेंद्र शर्मा, विभिन्न स्कूलों के कोच और स्टाफ मौजूद रहे। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन की तैयारियों को लेकर रामपुर में जिलाधीश शिमला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जवाबदेही सेवाओं के लिए अभी से तैयारियां पूरी की जाएं। रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान बिजली, पानी, परिवहन और कानून व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 से 14 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 4 से 6 नवंबर तक अश्व प्रदर्शनी रखी गई है। इस बार पहाड़ी और बुशरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नाइट बुशरी कलाकारों के लिए रखी गई है।
इसके अलावा युवाओं में बढ़ते नशे को देखते हुए मेले से पूर्व वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने पर भी सहमति बनी है, ताकि युवा खेलों की ओर आकर्षित हों। इस दौरान स्थानीय विधायक नंदलाल ने बताया कि लवी मेले के दौरान जुए का धंधा जोरों पर चलता है। उन्होंने बताया कि रामपुर आसपास और सतलुज नदी उस पार गए के कारण असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के प्रयास हों। जिलाधीश शिमला अमित कश्यप ने बताया कि ये मेला 300 साल पुराना है। ये मेला रामपुर की शान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की शान है। मेले के बेहतर आयोजन हो इसके लिए बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखे, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बार एक सांस्कृतिक संध्या भूश्री नाइट होगी, ताकि स्थानीय कलाकारों को मंच मिले।